ओके, डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस इन सी लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टेबुलर फॉर्म में कुछ डिफरेंस यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। कॉल बाय वैल्यू में सबसे फर्स्ट पॉइंट है, ए कॉपी ऑफ द वैल्यू इज पास्ड इनटू द फंक्शन। ठीक है, जो हम लोग एक्चुअल पैरामीटर में जो वैल्यू हम लोग पास करते हैं वो कॉपी होती है फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, कॉपी करना मीन्स एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू वही रहेगी, उसका एक कॉपी क्रिएट होगा और फॉर्मल पैरामीटर में पास होगा। कॉल बाय रेफरेंस में फर्स्ट पॉइंट, एन एड्रेस ऑफ वैल्यू इज पास्ड इनटू द फंक्शन। मींस एड्रेस मतलब वैल्यू का जो भी हमारा वेरिएबल है उसका एड्रेस पास हो रहा है, मींस वो क्या करेगा, सेम मेमोरी लोकेशन का यूज कर रहा है और सेम मेमोरी लोकेशन का एड्रेस वो पास कर रहा है। एक्चुअल वैल्यू ना पास करके यहाँ पे उस वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहा है। पॉइंट नंबर टू, चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन इज लिमिटेड टू द फंक्शन ओनली। द वैल्यूज ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर डू नॉट चेंज बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर्स। ओके, जो भी फंक्शन के अंदर में चेंजेस होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर तक ही सीमित रहेंगे, फंक्शन के बाहर कुछ भी चेंज नहीं होगा। मीन्स जो भी हम लोग एक्चुअल पैरामीटर पास कर रहे हैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, फॉर्मल पैरामीटर्स में जो भी वैल्यू कॉपी होके गई है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर तक ही होगी। कॉल बाय रेफरेंस में हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट, चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन वैलिडेट आउटसाइड ऑफ द फंक्शन ऑल्सो। द वैल्यूज ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर डू नॉट चेंज सॉरी डू चेंज बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर्स। जो भी चेंजेस होंगे फॉर्मल पैरामीटर्स में वो रिफ्लेक्ट करेंगे किसमें, एक्चुअल पैरामीटर में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। क्यों रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे एड्रेस पास हुआ है। ओके, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, एड्रेस पास होने से क्या हो रहा है, वो डायरेक्ट उस एड्रेस पे जाके मॉडिफाई करते रहे उस वैल्यू को। पॉइंट नंबर थ्री, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स आर क्रिएटेड एट द डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। जो भी एक्चुअल पैरामीटर्स हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, ठीक है, उसी को हम लोग आर्गुमेंट्स भी बोलते हैं, दोनों बोथ आर सेम। ठीक है, तो दोनों मेमोरी लोकेशन अलग अलग होंगे, एक्चुअल पैरामीटर्स की मेमोरी लोकेशन अलग होंगे, फॉर्मल पैरामीटर्स की मेमोरी लोकेशन अलग होंगे। देन इसके बाद हम लोग कॉल बाय रेफरेंस में आते हैं, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स आर क्रिएटेड एट द सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों के दोनों सेम मेमोरी लोकेशन में क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ वेरिएबल का एड्रेस पास हो रहा है। हम लोग एक्चुअल पैरामीटर में भी एड्रेस पास कर रहे हैं, फॉर्मल पैरामीटर में भी एड्रेस ही पास कर रहे हैं। तो क्या, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही सेम मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पास हो रहा है, जो और वो लोकेशन किसका है, जो वेरिएबल हम लोग ने यूज किया है उसका मेमोरी लोकेशन होगा। तो यहाँ पे मेजर थ्री डिफरेंस हम लोग ने देखा कॉल बाय वैल्यू में और कॉल बाय रेफरेंस में। ओके, रिकर्शन इन सी, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्शन इज द प्रोसेस विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन ए फंक्शन कॉल्स ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ टू वर्क ऑन ए स्मॉलर प्रॉब्लम। एनी फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, अगर कोई हमने ऐसा फंक्शन बनाया है जो खुद को कॉल करता है, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, ठीक है, कोई भी ऐसा फंक्शन जो अपने ही डेफिनेशन में वो खुद को कॉल करेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे रिकर्शन। एंड सच फंक्शन कॉल्स आर कॉल्ड रिकर्सिव कॉल्स। ठीक है, जो भी वो फंक्शन कॉल हो रहा है, जो खुद को कॉल कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव कॉल्स। रिकर्शन इन्वॉल्व सेवरल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स, हाउ एवर इट इज इम्पॉर्टेंट टू इम्पोज ए टर्मिनेशन कंडीशन ऑफ ए रिकर्शन। रिकर्शन कोड इज शॉर्टर देन इटरेटिव कोड, हाउ एवर इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब यहाँ पे जो फंक्शन
खुद को कॉल कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, वो भी एक प्रकार से लाइक जैसा लूप चलता है वैसे ही चलता है, लेकिन एक एक स्टेप डाउन होते जाता है इसमें, ठीक है। मतलब फंक्शन खुद को कॉल करेगा, और वो कब तक कॉल करेगा खुद को, उसका हम लोग को टर्मिनेशन कंडीशन भी यहाँ पे लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग कोड लिखते हैं रिकर्सिव फंक्शन के लिए, वो जनरली शॉर्टर रहता है जो हम लोग लूप्स वगैरह में यूज करते हैं उससे, उसके मुकाबले। रिकर्शन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल द प्रॉब्लम, बट इट इज मोर यूजफुल फॉर द टास्क दैट कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सिमिलर सब टास्क। फॉर एग्जाम्पल, रिकर्शन में भी अप्लाइड टू सॉर्टिंग, सर्चिंग एंड ट्रेवर्सल प्रॉब्लम्स, ठीक है। जनरली रिकर्शन जो है यूज किया जाता है सॉर्टिंग में, सर्चिंग में और ट्रेवर्सल प्रॉब्लम्स में, ठीक है। ये तीनों चीजें डेटा स्ट्रक्चर की होती है, ठीक है। BCA सेकेंड ईयर में हम लोग पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे ये तीन टॉपिक आएंगे, सॉर्टिंग, सर्चिंग और ट्रेवर्सल प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत सारी टेक्निक्स होती है जो बड़े बड़े डेटा को हैंडल करती है। आगे देखते हैं, जनरली इटरेटिव सॉल्यूशन आर मोर एफिशिएंट देन रिकर्शन सिंस फंक्शन कॉल ऑलवेज ओवरहेड। एनी प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व रिकर्सिवली कैन ऑल्सो बी सॉल्व इटरेटिवली। However, some problems are best suited to be solved by the recursion. For example, Tower of Hanoi, Fibonacci series, factorial finding, etc. ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम लोग रिकर्शन यूज किए, ठीक है, सेम प्रॉब्लम को हम लोग इटरेशन या फिर लूप्स का भी यूज करके हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो जनरली हम लोग रिकर्शन कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, टावर ऑफ हनोई, ठीक है, फिबोनाची सीरीज, फैक्टोरियल फाइंडिंग, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फैक्टोरियल, सॉरी, रिकर्शन को। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल बनाया है, ठीक है। इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हम लोग फैक्टोरियल फाइंड कर, फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। फैक्टोरियल का मीन्स हम लोग को अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है, लाइक हम लोग यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं, ठीक है। हम लोग ने 11th 12th में पढ़ा होगा, जो लोग मैथ्स वाले हैं उन लोग पढ़े होंगे, ठीक है। 5 का अगर फैक्टोरियल हम लोग निकालते हैं तो 5 से लेके 1 तक, ठीक है, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। तो इसको हम लोग पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 होगा 20, 20 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा 60, 60 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा 120, 120 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा 120। तो हम लोग को इसका आउटपुट मिलेगा 120, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, मान लो ये 5 है f की वैल्यू, ठीक है, ये f है, ये है f-1, ठीक है, फिर उसके बाद f-1 को -1 करेंगे, ठीक है, फिर -1 होगा, फिर -1 होगा, इस टाइप से -1 -1 कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है, फंक्शन f-1, ठीक है, फिर उसके बाद फंक्शन f-1 जो है उसको वापस से -1 कर रहा है, ठीक है, फिर से क्या कर रहा है, -1 कर रहा है, फिर से क्या कर रहा है, -1 कर रहा है, ठीक है। तो अप टू कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 -1 करके मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हम लोग, मतलब हम लोग ने एक फैक्टोरियल के लिए फंक्शन बना लिया, ठीक है, उसको हर वैल्यू के लिए कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपने आप को ही कॉल कर रहा है और यहाँ से बन रहा है रिकर्शन, ठीक है। तो प्रोग्राम से हम लोग इसको समझते हैं कि क्या होता है रिकर्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम को। तो हम लोग ने सबसे पहले एक
यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर कर लिया इंट फैक्ट, और यहाँ पे हम लोग ने एक पैरामीटर लिया है इंट, ठीक है, हम लोग ने यहाँ डिक्लेयर कर लिया। देन उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे मेन में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया एन और एफ, ठीक है, एन नंबर के लिए जो हम लोग नंबर इनपुट लेंगे और जिसका भी हम लोग फैक्टोरियल निकालना चाह रहे हैं उसका, ठीक है। देन उसके बाद हमने अपने प्रिंट किया एंटर नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट टू कैलकुलेट, ओके। देन उसके बाद वो नंबर हमने ले लिया, मान लो 5 हमने लिया है, ठीक है, इनपुट हमने कर लिया 5। अब यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, फैक्ट को हम लोग कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर एन पास कर रहे हैं, मीन्स फैक्ट ऑफ 5। ये 5 वैल्यू कहाँ पास हो रही, इस एन में पास हो रही, मतलब पैरामीटर में पास हो रही है, और ये हम लोग को एक वैल्यू रिटर्न करेगा। अब क्या वैल्यू रिटर्न करेगा वो हम लोग देखते हैं। तो कंट्रोल अब आ जाता है इस फैक्ट में, ओके, फैक्ट में हम लोग को कंट्रोल आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफाइन करें, इफ एन इक्वल टू जीरो, यहाँ पे हमने सबसे पहला कंडीशन लगाया इफ एन इक्वल टू जीरो, मतलब एन की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे 5 आ रही है, ठीक है, 5 को सबसे पहले जीरो से मैच करेगा, अगर वैल्यू हम लोग एंटर करेंगे जीरो, ठीक है, तो रिटर्न कर देगा जीरो, ठीक है। एल्स इफ एन इक्वल टू 1, रिटर्न 1, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग 0 और 1 एंटर करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को 0 एंटर करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 एंटर करेंगे तो 1 मिलेगा। एल्स फाइनल एल्स में यहाँ पर रिटर्न करेगा एन मल्टीप्लाई बाई फैक्ट एन माइनस 1, एन मल्टीप्लाई बाई फैक्ट एन माइनस 1। अब एन की वैल्यू है 5, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एन मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई फैक्ट एन माइनस 1, मतलब क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1, ठीक है, 5 माइनस 1 पास होगा, मीन्स क्या होगा, फैक्ट में 4 पास होगा, ठीक है। अब ये खुद को कॉल किया यहाँ पे, खुद को कॉल किया, मतलब ये 4 जो है वो कहाँ पे आएगा, अब इस एन में आ जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी 4। 4 को चेक करेगा 0 से, 0 नहीं है, 1 से चेक करेगा, 1 भी नहीं है, फिर से यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, अब ये जो 4 है, ठीक है, ये n की वैल्यू है, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई फैक्ट ऑफ n माइनस 1, n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 मतलब n की वैल्यू थी 4, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है, 3 को चेक करेगा, 0 के बराबर नहीं है, ये भी नहीं है, फिर वापस यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई फैक्ट ऑफ एन माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। अब एन की वैल्यू क्या है, 2 है, एन की वैल्यू 2 हो गई, 2 0 के बराबर है क्या, नहीं है, 1 के बराबर है क्या, नहीं है, वापस से एल्स में आ जाएगा, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई कर रहा है किससे, एन माइनस 1 से, फैक्ट ऑफ एन माइनस 1, ठीक है, मतलब 2 माइनस 1 हो गया 1, ठीक है। अब न्यू एन की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 आ गया, ठीक है, 0 के बराबर है क्या, नहीं है, 1 के बराबर है क्या, यस, ठीक है, रिटर्न करेगा 1, 1 रिटर्न करेगा और यहाँ पे हम लोगों को 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हम लोग को इस टाइप का इक्वेशन देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे टोटल कैलकुलेट हो जाएगा, रिटर्न कर देगा और यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 120, ये हम लोग को फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि कैसे ये फैक्ट जो है वो अपने आप को कॉल कर रहा है। यहाँ पे n पास हुआ था, यहाँ पे n पास हुआ है,
और यहाँ पे n माइनस वन पास हुआ है, मीन्स इस n को हम लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ मॉडिफाई कर लिए, बस यही डिफरेंस है यहाँ पे कि यहाँ पे n माइनस वन पास किया और यहाँ पे n है, मीन्स यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू जो थी उसको हम लोग पास करें और यहाँ से हम लोग उसी को वन माइनस वन करके पास, मतलब जो भी n की वैल्यू उसको माइनस वन करके पास कर रहे हैं, और n माइनस वन की जो वैल्यू होगी वहाँ पे n में कॉपी होगी और वापस से सेम कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर कॉल हो रहा है, फिर हो रहा है, मतलब एक प्रकार का यहाँ पे इटरेटिव स्टेटमेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं।